दोस्तों कैसे आप लोग, मैं दुर्गेश जायसवाल। मेरे YouTube चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था आश्रय का पार्ट वन पढ़ा था, एपिसोड वन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जानवरों के मनुष्य के आश्रय के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आश्रय, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का आश्रय। आज का हम लोग टॉपिक जो है वो क्या है, मनुष्य का आश्रय। देखिए लेक्चर ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न में आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए अगर मनुष्य के आश्रय की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य दो प्रकार के आश्रय होते हैं। पहला एक होता है अस्थाई, जैसा कि आपको भी पता होगा। दूसरा होता है अस्थाई। इन दोनों निवास स्थानों से आप परिचित होते हैं। ऐसे जिसमें कोई जीव जंतु अस्थाई रूप से निवास करता है उसे हम अस्थाई कहते हैं, ठीक। और जो एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है उन्हें हम अस्थाई रूप में कहते हैं। जैसे अगर जंगली जानवरों को देखा जाए तो जंगली जानवरों का स्थान क्या, अस्थाई होता है। मनुष्य का भी घर क्या होता है, अस्थाई होता है। लेकिन कुछ मनुष्य क्या होता है, समय समय पर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे टेंट लगाकर तंबू लगाकर जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें अस्थाई जीवन यापन वाले कहा जाता है, ठीक। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को समझना योग्य नहीं, क्योंकि आप पहले से ही इस बात से परिचित होंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलती है कि मनुष्य का जो घर का रूप है वो बदलता रहता है। जैसे जो मनुष्य के घर होते हैं, मनुष्य के घर के जो रूप होते हैं, रूप वे बदलते रहते हैं पर्यावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आदि के आधार पर बदलते रहते हैं। जैसे मनुष्य कभी कच्चे मकान में रहता है, कच्चे मकान जो मिट्टी के बने होते हैं, कभी पक्के मकान में रहता है, कभी पक्के मनुष्य कभी कच्चे मकान में कभी पक्के मकान में इस तरह क्या करता है वो निवास करता है। जो पक्का मकान होता है वो ईंट का बना होता है, कच्चा मकान जो होता है वो मिट्टी का बना होता है, बस यही है। और इन सब बातों से आप पहले से परिचित हैं, ठीक है। अगर जगह की भौगोलिक स्थिति देखा जाए, अगर जगह की भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह भी एक फैक्टर है मनुष्य के आश्रय पर। अगर जगह भौगोलिक स्थिति देखा जाए, अगर पहाड़ी या समतल शहर या गांव का जो शहर होता है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, सीधी बात है। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो बर्फ गिरेगी तो बर्फ से बचाने के लिए होना चाहिए, माने जलवायु मौसम के आधार पर घर भी होते हैं। अच्छा वहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें फैक्ट करती हैं घर के निर्माण में। अगर पहला टॉपिक देखें तो भौगोलिक स्थिति। देखिए भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, समतल से ऊंचाई आदि चीज़ क्या करती है, इस पर सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं कि कैसा घर बनेगा, वहाँ का समतल है, भूमि कैसी है, ये सभी क्या करती हैं, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं हम लोग भौगोलिक स्थिति के बाद का दूसरा पॉइंट आता है हमारा जलवायु। देखिए जलवायु सबसे बड़ा फैक्टर है ये कि जिस जगह मनुष्य रह रहा है, निवास कर रहा है, उस स्थान की जलवायु कैसी होनी चाहिए। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ का अलग हो, कम बारिश वाली जगह के लिए अलग जगह की निवास स्थान आश्रय, तापमान कम है तो उसका अलग, तापमान ज़्यादा अलग, बर्फ पड़े तो उसका अलग, माने जलवायु भी मनुष्य के आश्रय पे प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अच्छा वहाँ पे तीसरा जो फैक्ट है उपलब्ध संसाधन, यह भी मनुष्य के आश्रय पे। किसी तरह पता चला सोने की खान मिल जाए, ठीक है, लोग वहाँ क्या कर देंगे, जुट कर रहना शुरू कर देंगे, चले वहाँ पर रहते हैं, सोने की खान है और निवास करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं संसाधनों की जो उपलब्धता है ये भी क्या करता है, निवास स्थान को प्रभावित करता है। एक सामाजिक स्थिति होती है जिसमें आता है गरीबी और अमीरी। इसको गरीबी अमीरी के अंतर्गत ना पढ़कर इसे हम पढ़ेंगे सामाजिक, इसमें पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक स्थिति में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चौथा सामाजिक स्थिति, ठीक। तो ये सिर्फ मेन ऐसे की पॉइंट है जो कहते हैं मनुष्य के आश्रय को प्रत्यक्ष अपत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन लोगों को पढ़ने के बाद इससे जुड़े प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भागिएगा मत, जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम लोग को आगे क्रमशः पढ़ना है, लेकिन यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है उसके लिए 6306344367 पर कॉल कर सकते हैं या 7355179012 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन क्लास
नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारा प्ले स्टोर पर इलर्निंग दुर्गेश एप्लीकेशन इंस्टॉल है। अब दुर्गेश सर सर्च करके आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा इन लर्निंग मित्रों के साथ सभी वीडियो, जब क्रम से सभी नोट्स भी आपको, प्रैक्टिस सेट भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन क्लास भी जुड़ना चाहते हैं तो वाराणसी में पांडेपुर में भी हमारी संस्था प्रारंभ हो गया नई ब्रांच का, अभी अन्य जिलों में ही लगना है। जौनपुर जिला में मेन ब्रांच है टिक, और तीसरा जौनपुर के सिकरारा में भी हमारी ब्रांचेज लग गई, अन्य जगहों पर ब्रांचेज लगी सिकरारा। अब वाराणसी में अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वाराणसी के लिए आप पांडेपुर के पास, यहाँ पे पांडेपुर, पांडेपुर के चौराहे से आप आएंगे सुधाकर मेला पीजी कॉलेज, उसके बगल में गली में आएंगे, गली में यहाँ पे आपको इलाहाबाद बैंक मिलेगा, उसी टर्न पे इस कॉर्नर पे आपको इलर्निंग विद दुर्गेश के संस्थान आपको वाराणसी में मिल जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार के घर, मनुष्य के आश्रय में विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मिट्टी का घर। कैसा पढ़ेंगे? मिट्टी का घर। अब अपने आप आपको दिमाग मुड़ गई होगी कि इतनी बातें हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, उस आधार पर मिट्टी का घर क्यों और कैसे बनेगा। पहली टॉपिक पॉइंट नंबर एक अगर हम इसमें देखेंगे तो मिट्टी के घर प्राय कहाँ बनेंगे? गांव में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? गांव में। ठीक, एक बात स्पष्ट हो गई कि मिट्टी का घर कहाँ बनेंगे? गांव बनेंगे। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि जैसे गर्मी पड़ती है तो पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर में पानी शीतल रहता है। तो एक बात वहाँ से और स्पष्ट होती है कि मिट्टी घर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे गर्मी क्या हो? ज़्यादा हो। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे भी मिट्टी के घर उपयोग किए जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे मिट्टी घर होती है इनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी रखी जाती हैं ताकि गर्मी का असर उसमें रहने वाले नागरिकों को ना होने पाए। ठीक है, और ताकि अंदर गर्मी घुसने ना पाए। मिट्टी घर गांव में होती है, गर्मी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे होती है, दीवारें इसकी मोटी होती है। ठीक, जिन घरों की छतें होती हैं, अगर चौथा पॉइंट देखें, जो इनकी छतें होती हैं वो छतें कैसी होती हैं? वो छप्पर की बनी होती हैं। इसकी छप्पर की बनी होती हैं, इनकी जो छतें होती हैं छप्पर की बनी होती हैं। और कुछ घरों में जो छत होते हैं वो नीम और कीकर के लकड़ी का प्रयोग करता है। ये सीटेट का पूछा प्रश्न है, नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसे नीम और कीकर लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कीड़े ना लगे। यह प्रश्न आपका सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया होगा तो आपके भली भांति ज्ञात होगा कि नीम और कीकर के ऐसे पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं जिनमें कीड़े नहीं लगते। ठीक, अंतोगत्वा ये समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, इन घरों को भी समय समय पर लीपा पोता जाता है। मतलब इन घरों को भी समय समय क्या कहती है? लीपा जाता है, इनकी लिपाई की जाती है ताकि मिट्टी टूटे ना। किस लिए? ताकि मिट्टी टूटने ना पाए, इसलिए समय समय पर क्या कहती है? लिपाई भी की जाती है। इन घरों को फर्श को गोबर से लिपा जाता है। इन घरों क्या होता है? जो फर्श होती है, इन घरों की फर्श, इन्हें किससे लिपा जाता है? गोबर से लिपा जाता है। किससे? गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़े भी ना लगने पाए या कीड़े ना आए। ये भी प्रश्न आपका सीटेट में पूछा हुआ है, ताकि कीड़े ना लगने पाए इसलिए इन घरों की दीवारों को, फर्श को भी गोबर से लिपा जाता है। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसकी मिट्टी में भूसा भी मिलाया जाता है ताकि मिट्टी क्या हो? मजबूत हो। जो दीवार की पकड़ होती है वो क्या हो? मजबूत हो। जैसे हम जानते हैं कि सीमेंट में हम लोग क्या मिलाते हैं? गिट्टी मिलाते हैं, रेती मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं ताकि उसकी पकड़ क्या हो? मजबूत हो। इस प्रकार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मनुष्य का आश्रय में पड़ा मिट्टी के घर, तो हमने कुछ कुछ बातों को ध्यान रखा। मिट्टी घर गांव में बनाए जाते हैं या ऐसे क्षेत्र बनाया जाए जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती हो या इसकी दीवारें मोटी होती हैं ताकि अंदर गर्मी का असर ना हो। छतें छप्पर की होती हैं, कीकर या नीम की लकड़ी होती है ताकि कीड़े ना लगने पाए। घरों में लीपा जाता ताकि मिट्टी ना टूटे, और इनकी मिट्टी में भूसा मिला जाता ताकि मजबूती बना रहे। इनके जो फर्श होता उनको गोबर से लीपा जाता ताकि कीड़े ना लगने पाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो पढ़ेंगे वो बांस या लकड़ी के घर। यहाँ से अगर कोई समझ में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम पूरी तरह से NCERT की पर्यावरण पढ़ रहे हैं। NCERT की पर्यावरण के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं।
ठीक है, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सभी वीडियोस के लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इलेनी में दुर्गेश का, और फेसबुक पेज पे भी हमारा इलेनी में दुर्गेश है। अब जो पढ़ेंगे वो बांस के घर या लकड़ी के घर, कौन सा घर है आपका, बांस या लकड़ी का, कौन सा घर है, बांस या लकड़ी के घर। ये मनुष्य के आश्रय में पढ़ना। अच्छा, इस प्रकार देखिए सीधी सी बात है, बांस हल्के होते हैं, लकड़ी हल्की होती है, तो यह ऐसे प्रकार घर वहां बनाए जाते हैं जहां पे बारिश ज्यादा होती है, ताकि बारिश का जो है घर भर ना पाए। अगर बांस के घर बने हैं तो पानी बरसेगा तो जमीन से नीचे से निकल जाएगा, बाढ़ का भी असर उतना ज्यादा नहीं होगा। तो एक पॉइंट, बांस या लकड़ी घर वहां बनाए जाते हैं जहां पे बारिश ज्यादा हो। और ये जो घर होते हैं ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, फुट ऊंचे होते हैं, ठीक। और क्या होता है, जो मजबूत कम्बो, जैसे अगर हम इस घर को बना दिया तो जो बांस के ये क्या होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे खंभों पर बने होते हैं, ठीक, ताकि अगर बाढ़ भी आए उस पर कोई समस्या ना हो। मतलब नीचे बांस होते हैं, ऊपर घर बने होते हैं, ताकि बाढ़ का पानी आए और निकल जाए, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। भारत में ऐसे घर असम या असम राज्य में बनाए जाते हैं। कहाँ पे, असम राज्य में, जहाँ बारिश बहुत होती है वहां पे इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऐसा भी आपका सीटेट में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। यह प्रश्न क्या है, सीटेट का पूछा प्रश्न है कि यहाँ पे बांस के घर किस राज्य बनाए जाते हैं, असम में, कितनी ऊंचाई पे, 10 से 12 फुट में, ताकि बाढ़ का भी असर ना होने पाए, ठीक। अन्य कोई समस्या हो आपको तो पूछ सकते हैं बेहचक हमसे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगर आगे बढ़ते हैं फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश से ज्यादा समस्या ना उत्पन्न होने पाए, इस प्रकार के आपके घर इस तरह से बनाए जाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे, असम की प्रमुख नृत्य क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। असम का सबसे प्रमुख नृत्य क्या है, अब देखेंगे पत्थर के घर, पत्थर या लकड़ी के घर यहाँ पे भी। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पत्थर या लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घर। देखिए इस प्रकार घर कहाँ मिलेंगे, पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी इलाकों में ही मिलेंगे। इस प्रकार कहाँ मिलेंगे, पहाड़ी इलाकों में ऐसे घर मिलेंगे, ठीक। इस इलाकों में बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ती है, और यहाँ पे क्या होगी, बारिश और बर्फ दोनों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम देखेंगे तो बारिश बारिश और बर्फ दोनों समस्या बनी रहती है, ठीक है। इन घरों की जो छत होती है ढलवा होती है, छत क्या होती है, इनकी जो छतें होती हैं जो पत्थर घर होते हैं वो ढलवा होती है। ढलवा इसलिए होती है ताकि बारिश का पानी नीचे गिर जाए, मतलब छतें ऐसे होती हैं ताकि बारिश का पानी और बर्फ क्या हो, नीचे की तरफ गिर जाए। वरना घर पे क्या होगी, अगर समतल होगी तो इस पे बर्फ जम जाएगी, बारिश का पानी इसको ले जाकर क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। इसलिए इसको बचाने के लिए छतें क्या होती हैं, ढलवा होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, अब आगे देखते हैं, पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है। यहाँ पे जो पत्थर घर होते हैं इस पे चूने की पुताई होती है, किसकी, चूने की पुताई। एक प्रश्न होता है चूने की पुताई क्यों, ताकि कीड़े ना आए, ताकि चूने से क्या होगा, कीड़े नहीं आएंगे, यहाँ पे कीड़े नहीं आएंगे। उसके बाद क्या होती है, जब कीड़े नहीं आएंगे एक समस्या और भी याद रखिएगा, ये घर एक मंजिले होते हैं या फिर दो मंजिले। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल में सामान्य जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं। यह प्रश्न सीटेट में दो बार पूछा जा चुका है। ऐसे घर कहाँ मिलते हैं आपको, लद्दाख में। लद्दाख में जो बनाते हैं देखिए वो दो मंजिल का भी बना लेते हैं, ठीक है। कितने मंजिले का, दो मंजिल का भी उनकी मकान होती है, ठीक। पहला मंजिला क्या होता है, पशुओं को बांधने के लिए, दूसरा मंजिला स्वयं निवास करने के लिए। छतों पर क्या करते हैं, घास फूस सुखाने के काम में लेते हैं। ऐसे घर कहाँ मिलते हैं, लद्दाख में मिलते हैं। लद्दाख मतलब कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ के लोग अपने घर के छतों का उपयोग फसलों को या सब्जियों को सुखाने के लिए करते हैं, ठीक। इस प्रकार घर कहाँ मिलते हैं आपको, हिमाचल प्रदेश में, देखिए हिमाचल में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ये दोनों जगह इस प्रकार के घर मिलते हैं। मैंने
अब इस पर चूना क्यों लगाया जाता है? ताकि इस पर कीड़े ना आए। ये दो तल्ले के मकान होते हैं, पत्थर के होते हैं, पहले फर्श पर पशुओं को बांधा जाता है, दूसरों पे मनुष्य रहते हैं, वहाँ के नाग लोग रहते हैं, छत जो होती है फसल सुखाने के लिए, सब्जी सुखाने के लिए होती है, और ढलवा होती है छतें ताकि बर्फ का पानी रुकने ना पाए। ठीक, समतल नहीं होती, कहीं कहीं समतल भी देखने को मिल जाती है, जलरी नहीं, जहाँ पे ढाल नहीं होती, जहाँ पे बर्फबारी संभावना कम होती है, वहाँ पे समतल छत भी देखने को आसानी से मिल जाते हैं। अब आते हैं हम लोग ईंट के मकान पढ़ेंगे। इसके मकान ईंट के, ईंट के मकान, हेडिंग बनाइएगा आप लोग भी, ईंट के मकान। ईंट के मकान में देखते हैं इस प्रकार का समतल क्षेत्र पाए, इस प्रकार जो होता है समतल है मैदानी क्षेत्र में, कहाँ पे? मैदानी क्षेत्रों में, कहाँ पे पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में या समतल क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये एक मंजिले भी होते हैं, बहु मंजिले, मानिए एक से अधिक मंजिले होते हैं, एक या एक से अधिक मंजिले होते हैं, अधिक एक या एक से अधिक मंजिले होते हैं। भारत के मैदानी भाग में इस प्रकार घर पाए जाते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया। ठीक, आगे देखते हैं, ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों पर आती हैं। ऊंची इमारतें जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ऊंचाई वाली इमारत कहाँ पाई जाती है? बड़े शहर, बड़े शहर। मालों का शहर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छोड़ दीजिएगा। हमारे यहाँ भी इस तरह के ही पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? महलों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक, ऊंची वाली इमारत एक से अधिक मंजिले होती है या बहुमंजिली इमारत भी होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं बर्फ का घर, इसे इग्लू कहते हैं। इसका घर बर्फ का, बर्फ का घर, इसे हम लोग वहाँ के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इग्लू कहते हैं। ये अगर इसको मैप में देखा जाए तो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, ध्रुवों में। कहाँ पाया जाता है? ध्रुव, खासकर उत्तरी ध्रुव में, साइबेरिया और कनाडा के पास, और यूरोप के कुछ ऐसे ध्रुव क्षेत्रों में पाया जाते हैं। यह क्या होता है? यह अर्धचंद्राकार बना हुआ होता है, इस तरह से यह अर्धचंद्राकार बना हुआ बर्फ का घर होता है। ये बर्फ के टुकड़ों को जोड़ कर बनाया जाता है, ये बर्फ के टुकड़ों को, मतलब ब्लॉक्स को, या बर्फ के टुकड़ों को इसे जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। ये लंबी कदकाठी के होते हैं। ठीक, ये इनका जो ये जो एस्किमो होते हैं ये शिकारी होते हैं। कैसे, क्या होते हैं? शिकारी। ठीक, ये सील मछली का शिकार सबसे ज़्यादा करते हैं। इस मछली का, सील मछली का, और इनका जो ये अस्थायी निवास स्थान है, ठीक, मतलब ये टहलते चलते रहने वाले। ये जो घुमदाकार का होता है, इसका प्रवेश द्वार जो होता है ये बहुत कम लोग, ये बहुत छोटा होता है। प्रवेश द्वार क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके, ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। ऐसे कनाडा में, साइबेरिया में आधे को वैसे घर पाए जाते हैं। एस्किमो जो होते हैं यहाँ पे, जिससे शिकार करते हैं उसे हार्पून कहते हैं। हार्पून कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्पून। यहाँ पे जो कुत्ते गाड़ी खींचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किसी को पता है? कुत्ते गाड़ी खींचते हैं, स्लेज कहते हैं। कौन सी गाड़ी? स्लेज गाड़ी कहा जाता है उन्हें। कौन सी गाड़ी कहते हैं? स्लेज गाड़ी कहते हैं। ठीक, और कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए साथ में आगे बढ़ते। देखिए, इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व करेंगे। इससे जुड़े जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे हम उसे भी सॉल्व करेंगे। मैंने पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उनसे जुड़े प्रश्नों को भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं समस्या है? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इस वीडियो को सभी साथियों को अपने शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया होगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, प्ले स्टोर से सर्च करेगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस दिए। जैसे ही आप दुर्गेश्वर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश्वर जुड़ जाएंगे। फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर एक जगह आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश मिलेगा। ठीक, आप तो उन जगह ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पे आप कॉल कर सकते हैं।
7355179012, क्योंकि सीटेट कोई नहीं पढ़ाता प्रॉपर, जिस तरह से सिलेबस है हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। इसका आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वाराणसी में भी हमारी शाखा है, जौनपुर में भी है, तीन जगह। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को मिलता है हाउस बोट। क्या है? हाउस बोट, नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, आप लोग ये जान गए होंगे किस घर की बात हो रही है। ये क्या होता है? ये हाउस बोट होता है। इसमें इसके ये नाव पे बने हुए घर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हाउस बोट कहा जाता है। ये लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। ये नाव होती है, नाव किसकी बनी होती है? लकड़ी की होती है। ये हमेशा पानी में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? पानी में तैरती रहती है। और इनमें क्या होता है? नक्काशी की हुई होती है। क्या की गई होती है? नक्काशी, ताकि देखने में और सुंदर लगे। और ये अधिकतम 80 फुट तक लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 80 फुट तक होती है। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड जो कश्मीर के ये हाउस बोट होते हैं, जो कश्मीर के हाउस बोट होते हैं, इसकी जो नक्काशी होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद के नाम से जाना जाता है। जो जम्मू कश्मीर के सबसे खूबसूरत हाउस बोट पे जो नक्काशी होती है, और हाउस बोट अगर देखा जाए तो ये हाउस बोट ये जो है केरल में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? केरल में और कश्मीर, दोनों जगह, केरल और कश्मीर दोनों में हाउस बोट पाया जाता है। यहाँ इसे घूमने के लिए पर्यटक बहुत सारे आते हैं। कौन आते हैं? पर्यटकों। ये पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। क्या करता है? पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। ठीक, आप बताइए केरल में एक नौका दौड़ होती है, उस दौड़ का नाम क्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो नाव की रेस होती है, जो नौका दौड़ होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। आप उम्मीद करते हैं आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और हम आपके जवाब की पूरी तरह से प्रतीक्षा भी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके सभी साथियों तक ये आसानी से पहुंच सके। अब हम लिखते हैं डोंगे। क्या देखेंगे? डोंगे। ठीक, डोंगे में देखेंगे कश्मीर पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट है। ये कहां पाए जाते हैं? ये कश्मीर में। इसमें नक्काशी नहीं होती। इसमें क्या होती है? नक्काशी की अभाव वाली हाउस बोट होती है। ठीक, सेम होती है लेकिन इसमें नक्काशी नहीं वाली हाउस बोट होती है। यहाँ केवल स्थानीय लोग इसमें रहते हैं। इसमें कौन रहते हैं? केवल स्थानीय लोग, केवल रहने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यहाँ के इसमें रहता कौन है? यहाँ के स्थानीय लोग। किसके? कश्मीर के। और इसमें क्या होता है? ढेर सारे अलग अलग कमरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अलग अलग कमरे होते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं जिसमें कश्मीर के निवासी निवास करते हैं। ठीक, इसमें नक्काशी नहीं होती, बस सीधी सी बात है, कमरे में ये हाउस बोट ही होती है। फिर अगर आगे देखेंगे तो टेंट मिलता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए डोंगे पढ़ लिया, हम लोग पढ़ेंगे टेंट। ये टेंट कहीं ना कहीं आप लोग उससे परिचित होंगे कि टेंट क्या है। ठीक, टेंट में देख लीजिएगा, ये लोगों का अस्थाई निवास होता है। इसकी पहली चीज, ये अस्थाई निवास होता है। देखिए ये जो दूसरा क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है। गरीब जहाँ शहर होते हैं वहाँ ये प्लास्टिक की होती है। किसकी टेंट होती है? प्लास्टिक की टेंट होती है। और कहीं कहीं जो टेंट होती है किसकी होती है? कपड़े की टेंट होती है। ठीक, मोटे कपड़े की टेंट होती है। अच्छा, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पे माउंटेनों पे चढ़ाई करते हैं, वे सभी व्यक्ति के जो टेंट होते हैं उसमें प्लास्टिक की सीट लगी होती है, ताकि उसका वजन भी कम हो और वहाँ पे आसानी से उसका परिवहन भी किया जा सके और ठंड से बचा भी जा सके। अच्छा, लद्दाख, लद्दाख का नाम तो जानते ही होंगे, तो और ज़्यादा इस समय चल रहा है। लद्दाख की जनजाति जिसे चांगपा कहते हैं, कौन सी जनजाति कहते हैं? चांगपा। वहाँ की जनजाति का नाम क्या है? चांगपा जनजाति। यहाँ के लोग याक, याक वहाँ का जानवर है, याक के बाल लो उसकी पट्टियों से टेंट बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। ये भी सीटेट का पूछा प्रश्न है, इसे क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे?
रेबो कहा जाता है, ठीक। और ये लद्दाख में होता है, ये एक अस्थाई टेंट प्लास्टिक, कपड़ा प्लास्टिक और सिर्फ दोनों का बना हुआ होता है, इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, ठीक। पर्वतारोही यूज करते हैं और हमारे सैनिक लोग भी शिविर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, सैनिक इसका शिविर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। छावनी में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है अब तो। अब अगला जो आता है उसे कहते हैं महल, किला या हवेली। महल, किला या हवेली, इनका निर्माण जो है राजा, महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करते थे, ठीक है। कौन करते थे? राजा, महाराजा, मतलब अमीर लोग इसका निर्माण करते थे। ये बहुत बड़े होते थे, ये सारे क्या होते थे, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये बहुत बड़े आकार के होते थे, ये बहुत बड़े होते थे। इनकी जो अगली बात ये है, इसमें बहुत सारे कमरे थे, कमरे जो होते थे ना बहुत सारे, अगर कमरे की बात करें तो इन्हें बहुत सारे कमरे होते थे और इनकी छतें, दीवारें, खम्भों सब एक खूबसूरती, इस पर इसकी सबसे बड़ी क्या खासियत थी, इस पर नक्काशी खूब अच्छी होती थी, चाहे खम्भे हों, छत हों, दीवार हो। और इसमें जो पत्थर होती थी, लकड़ी को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते, इसमें जो है बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था और बहुमूल्य लकड़ी का, बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार आज हम लोगों ने मनुष्य के मानव के निवास स्थान के बारे में पढ़ लिया, उम्मीद करते सारे टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या पढ़ना है इसके पहले हम आपको बताना मुनासिब समझेंगे, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होती रहे और आप अपने ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दें। और आपको अगर इसकी नोट चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पूरी तरह से, उसके लिए 6306344367 पर आप कॉल कर सकते हैं, 7355179012 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ अगर ऑफलाइन क्लास भी हमारे जौनपुर शहर में, जौनपुर में, सिकरारा में, अभी और जगह ब्रांचेज लगने वाली हैं, तो आप यहाँ फ़ोन करेगा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन सी जगह ब्रांचेज लग रही हैं। फिर वाराणसी में भी हमारी ब्रांच शुरू हो चुकी है, अगर आप वाराणसी या उससे लगे किसी जनपद में तो वाराणसी से ही पढ़ सकते हैं। फिर सीटेट, हर कोचिंग में तो कहा जाता है सीटेट चला है, वास्तव में सीटेट है, प्रीवियस ईयर का जब सॉल्व करते हैं तब आपको ये बात पता चलती है, नहीं दुर्गेश सर क्या, तो सीटेट सबसे ज़्यादा बढ़िया चलता है। वाराणसी में पांडेपुर में हमारी क्लासेस शुरू हुई है, ये लर्निंग दुर्गेश के नाम से ही है, पांडेपुर में सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के बगल गली में है, किसी पूछ लेंगे इलानी बुदुर्गेश तो आपको बता देगा, जहाँ पे भी हम भी आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे किसी प्रकार कोई समस्या हो आप समस्या से जरूर अवगत करेगा, इसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इससे जुड़े जितने प्रश्न उन सभी को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्नों को उत्तर देने। इसी साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस दिए इलर्निंग विद दुर्गेश से, और फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आपको इलर्निंग विद दुर्गेश से आपको मिलता रहेगा, इससे आप शेयर करिएगा, सभी साथियों तक पहुँचेगा। साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपकी अग्रिम वर्ष की शुभकामनाएँ आपको देते हैं। जय हिंद।